मोटिवेशन इज ओवररेटेड। जब भी हम कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं तो हम क्या करते हैं कि एकदम से स्टेप लेंगे और वो काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन गुजरेंगे या कुछ टाइम गुजरेगा तो हम फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देंगे। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? देखें, मसला ये है कि जब तक कोई काम हमारी आदत नहीं बनेगा तब तक हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, और किसी भी काम को रिपीटेडली विदाउट एनी एफर्ट करने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी आदत बने। और किसी भी काम को अपनी आदत बनाने के लिए आप उसको कम से कम 21 डेज तक रिपीट करेंगे। देखें, इसकी मिसाल बिल्कुल एक थ्रेड की तरह है। अगर आपके पास एक धागा हो तो वो एक पैटर्न होगा। मिसाल के तौर पर आपने एक काम को एक बार रिपीट किया तो एक धागा बना, आपने उसी काम को दूसरी बार रिपीट किया तो एक और धागा बना, और जैसे ही आप उसको रिपीट करते जा रहे हैं तो ये जो थ्रेड्स हैं ये इकट्ठे होकर जुड़ते जा रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप उस काम को रिपीट करते जाएंगे तो ये थ्रेड्स इकट्ठे होते 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 एक स्ट्रॉन्ग रस्सी बना देंगे। और यही मिसाल है हैबिट की। जब आप ये काम को एक बार करते हैं, दो बार, तीन बार, जब आप उसको रिपीटेडली करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो आपके दिमाग में इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता है कि अब आपको उस काम को करने में कोई मुश्किल महसूस नहीं होती। मिसाल के तौर पर कुछ लोग रोज़ 5 किलोमीटर भागते हैं। अब एक नया बंदा जाएगा तो वो पहले दिन ही गिर जाएगा, लेकिन जो रोज़ भागता है उसके लिए वो बहुत आसान है, वो ऐसे भाग लेगा। तो वजह ये है कि उसके दिमाग में उस चीज़ का, उस हैबिट का, उस एक्सरसाइज का पैटर्न बना हुआ है। तो जब तक कोई भी आदत आपके दिमाग के अंदर इनग्रेव्ड नहीं होगी तब तक आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.